जय हिंद दोस्तों, मैं प्रेम नैनीवाल और एक बार फिर से मुलाकात हो रही है एनवीरा ऑनलाइन स्कूल में। दोस्तों, चैप्टर हमारा चल रहा है दूसरा, फिजिक्स, और टॉपिक जिसमें हमने किया था अनंत रेखीय आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यदि आवेश किसी अनंत लंबाई में वितरित है तो उसके कारण बिंदु पी पर जो तीव्रता होगी वो कितनी होगी। चूंकि दोस्तों तीव्रता एक प्रकार से सदिश राशि है और इसलिए उसकी दिशा भी होगी और उसका परिमाण भी होगा। दिशा के लिए कल हमने देखा है कि जो परिणामी दिशा है वो ओपी के अनुदिश प्राप्त होती है, और आज हम देखने वाले हैं परिमाण को कि इसका परिमाण क्या होगा, यानी तीव्रता का परिमाण क्या होगा। तो दोस्तों जल्दी से फटाफट इस क्लास को एक बार से शेयर कर दीजिए सब लोग, और हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा, कल हमने ये किया है कि अनंत रेखा में या अनंत रेखीय वितरण है, आवेशों को किसी लंबाई के अनुदिश वितरित किया गया है और ये लंबाई अनंत भी है। हमने यहाँ पर एक्स वाई तल को लिया था, एक्स वाई तल के लिए हम काम कर रहे थे, और इससे आर दूरी पर स्थित कोई बिंदु है पी, वहां पर हमें तीव्रता की गणना करनी थी, ये बात। अब ये तीव्रता चूंकि सदिश राशि है इसलिए इसकी दिशा होगी, और इस तीव्रता की दिशा को ज्ञात करने के लिए हमने क्या किया था दोस्तों, एक यहां अल्पांश माना जिसे A1 कहा और एक यहां अल्पांश माना जिसे A2 कहा। ऊपर और नीचे दो अल्पांश इसलिए मानते हैं क्योंकि जो सटीक दिशा है वो हमें मिल जाए। यहां अगर बीचों बीच अल्पांश मान के चलेंगे और फिर समाकलन करेंगे तो यहां अल्पांश के कारण दिशा तो ओपी के अनुदिश ही होगी, यहाँ पे बिंदु O है ना, तो हम ये नहीं करेंगे, बल्कि यहां जो आवेश है उसके कारण तीव्रता होगी, उस तीव्रता की दिशा ये हमें मिली थी, और इसके कारण तीव्रता की दिशा ये मिली थी, यहाँ पे बिंदु P है और ये भी DE और ये DE। अच्छा, इन दोनों दिशाओं को जो है इसका परिणामी निकालने के लिए हमने यहाँ पे घटक मान लिए थे, ये साइन वाला घटक DE साइन थीटा और ये भी DE कॉस थीटा, ये थीटा से लगता था इसलिए, और यहाँ पर इसके लिए भी ये दो घटक, ये DE साइन थीटा था और ये DE कॉस थीटा था। दोस्तों ये दोनों आपस में विपरीत होने के कारण परस्पर निरस्त हो जाएंगे और जो दिशा बचेगी वो बचेगी डीई कॉस थीटा की दिशा में, यानी इसका ये वाला घटक रहेगा जबकि ये दोनों घटक तो आपस में निरस्त हो जाएंगे। तो ये घटक दोनों आपस में समान दिशा में होने के कारण जुड़ जाएंगे और ये कह सकते हैं कि ओ और पी दिशा, परिणामी दिशा ओपी के अनुदिश मिलेगी। तो ये दिशा की बात थी। आज हम इस तीव्रता का क्या निकालने जा रहे हैं, परिणाम निकालने जा रहे हैं। तो वो किस प्रकार से निकालेंगे आप जरा देखें। दोस्तों गाउस के नियम में हमने ये सीखा है कि हम इसके चारों ओर एक बंद गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करेंगे। सबसे पहले बात ये होगी, जिस भी लंबाई के अनुदिश आवेश वितरित है हम उस लंबाई के चारों ओर क्या करेंगे, एक बंद गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करेंगे। और आपसे मैंने ये भी कहा है कि जो भी बंद गाउसीय पृष्ठ हम मानेंगे वो कुछ शर्तों के अधीन होगा। कैसे, कि जो बंद गाउसीय पृष्ठ आप मान रहे हैं वो एक तो सममित होना चाहिए, ये पहली बात, और वो जो बंद गाउसीय पृष्ठ है सममित होने के साथ ऐसा मानिए कि बिंदु P जो है जहां आपको तीव्रता ज्ञात करनी है वो बिंदु P उसके पृष्ठ पर रहे, ये इसकी दूसरी शर्त है। और एक और शर्त है कि जो भी आप पृष्ठ मान रहे हैं ऐसा मानिए कि उस पृष्ठ के क्षेत्रफल की दिशा और विद्युत क्षेत्र की दिशा, इन दोनों दिशाओं के बीच बनने वाला कोण जो है, जो थीटा है, उसका मान या तो 0 डिग्री हो या 90 डिग्री हो या 180 डिग्री हो। तो ये तीनों प्रकार के कोण जो है, तीनों में से कोई एक कोण होना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। बस ऐसे गाउसीय पृष्ठ की आप कल्पना करें ताकि हमारी जो कैलकुलेशन है वो आसान हो। अब देखें कि हम किस प्रकार से बंद गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये लंबाई है हमारे पास जिसमें आवेश वितरित किया गया था और इसके कारण हमें किसी बिंदु P पर, इससे मान लीजिए कि R दूरी पर वो बिंदु स्थित है, हमेशा ही ये दूरी हम R लेते आए हैं तो हर जगह R का ही प्रयोग करेंगे। दोस्तों यहां ये बिंदु है P, यहां हमें तीव्रता ज्ञात करनी है। तो अब इस लंबाई के चारों ओर ये चाहिए कि हम किसी बंद गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करें, वो सममित भी होना चाहिए।
तो सममित का कहा है तो मैं क्या करूं, ये लंबाई है तो लंबाई को पूरा अंदर डालने के लिए मैं क्या करूं, ये एक बेलन मान लो यहां पर, ठीक है। तो ये लंबाई पूरी उसके अंदर भी होगी और वो एक पेक सिस्टम हो जाएगा और वो सममित भी है। तो दोस्तों ये करने वाले हैं अपन कि बेलन मान ले, और कहा गया है तीसरी शर्त कि ये बिंदु P उसके पृष्ठ पर रहे, तो एक ऐसा बेलन मानो कि ये बिंदु P उसके पृष्ठ पर हो जाए। तो आप देख रहे हैं कि बिंदु P पृष्ठ पर है, ये दूरी समान इतनी की इतनी इधर ले लेते हैं लगभग ये वाले, और अब आप जान गए होंगे कि मैंने कैसा बेलन माना है। दोस्तों ये बेलन है और ये नीचे से भी इसको मिला देते हैं बराबर, ये बेलन है जिसकी हम कल्पना कर रहे हैं। तो ये एक प्रकार का बेलन है और बीच में ये लंबाई है जिस पर आवेश को वितरित किया गया है। मान लेते हैं कि इस बेलन की जो लंबाई है वो लंबाई दोस्तों कितनी है, मान लीजिए L, L लंबाई का बेलन है, कुछ त्रिज्या भी होगी इसके अनुप्रस्थ काट की, तो आप मान लें कि उसकी त्रिज्या R है, ये R तो ये R होनी ही है, बिल्कुल तय बात है। दोस्तों ये बंद गाउसीय पृष्ठ जो माना है इसमें कितने पृष्ठ नजर आ रहे हैं, ऐसा सवाल यदि मैं आपसे पूछूं तो क्या जवाब होगा आपका। देखें इस बेलन में कितने पृष्ठ है, नॉर्मली हम 10th क्लास में पढ़ते हैं कि बेलन में कितने पृष्ठ होते हैं, तो एक आप ये पृष्ठ देख रहे हैं ऊपर वाला, बेलन का ऊपर वाला जो तल है वो, और इस पृष्ठ को मैं कह देता हूं दोस्तों S1 पृष्ठ, S1 पृष्ठ, और ऐसा का ऐसा एक पृष्ठ नीचे भी होगा। भाई यदि हमने बेलन माना है तो ये मेरा मार्कर एक प्रकार से बेलन ही है, एक ये पृष्ठ ऊपर अनुप्रस्थ काट का, ठीक है, और एक नीचे ये वाला पृष्ठ जिसे आप देख रहे हैं, ठीक है, और एक इसका वक्र पृष्ठ, ये जो पृष्ठ चारों ओर से लपेटा हुआ है, एक ये पृष्ठ। तो बेलन के कुल मिला के कितने पृष्ठ हुए, 3 पृष्ठ हुए, S1 जिसमें हमने ये ऊपर वाला मान लिया है और नीचे का जो ये पृष्ठ है इसे मैं S2 कह देता हूं, कौन सा पृष्ठ, S2 पृष्ठ, और साथ ही अब ये चारों ओर से जो पीछे भी है और आगे भी है इस पृष्ठ को मैं कह देता हूं दोस्तों S3 पृष्ठ, जो कि बेलन का कैसा पृष्ठ है भैया, वक्र पृष्ठ है, आप जानते हैं या लिख दीजिए कैसा पृष्ठ है, वक्र पृष्ठ चारों ओर से, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये पृष्ठ माने। अब दोस्तों ये भी बात है कि इस आवेश के कारण यहां बिंदु P पर हमें तीव्रता का मान ज्ञात करना है, हमारा टारगेट ये है कि यहां हम क्या याद करें, तीव्रता याद करें। उसके बाद अब आप देखें कि जो आपने किया है वो हमें लिखना भी जरूरी है, तो हमने क्या माना है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो भी बंद गाउसीय पृष्ठ आप मानते हो वो बंद गाउसीय पृष्ठ मानने के लिए जो 3 शर्तें मैंने आपको बताई है वो 3 शर्तें मैं लिख देता हूं इधर। देखो पहली जो शर्त है वो बंद गाउसीय पृष्ठ पृष्ठ सममित होना चाहिए, ये पहली शर्त है। बंद गाउसीय पृष्ठ कैसा होना चाहिए, सममित होना चाहिए। दूसरी शर्त मैंने आपसे कहा है कि क्षेत्रफल की दिशा और विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसकी दिशा, यानी ई व एस, ई का एस का मतलब क्षेत्रफल, ई का मतलब विद्युत क्षेत्र की दिशा के मध्य, की दिशा के मध्य कोण 0 डिग्री या 180 डिग्री या 90 डिग्री हो। अब ऐसा प्रश्न माने यहां पर कौन 0 डिग्री 180 डिग्री या 90 डिग्री हो, मैं बताऊंगा आपको कि कैसे है। और ये तीसरी और अंतिम शर्त जो है उसके लिए कि जो भी ये बंद गाउसीय पृष्ठ जिसकी आप कल्पना कर रहे हो, देखो सममित होना चाहिए और दिशा के मध्य कोण 0, 180 या 90 डिग्री होना चाहिए। और एक और शर्त जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, तीसरी शर्त है कि बंद गाउसीय पृष्ठ बिंदु P, आप ऐसा लिख दें कि बिंदु P
बंद गौसिय पृष्ठ के किसी एक पृष्ठ पर हो, किसी एक पृष्ठ पर हो, जो बिंदु P है वो किसी एक पृष्ठ पर होना चाहिए, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये बिंदु P किसी एक पृष्ठ पर विद्यमान है इस तरीके से। चलिए अब ये तीनों ही शर्तें यहां पे हैं, कैसे हैं आप लोग देखिएगा कि S3 पृष्ठ है, S1 है और S2 है। पहले हम S1 की बात करते हैं दोस्तों, ये जो क्षेत्रफल है ये क्षेत्रफल बेलन के ऊपर वाला है, यानी इसका तल ऐसे है, और हमेशा ही क्षेत्रफल की जो दिशा होती है वो तल के लंबवत होती है। तो अगर इस क्षेत्रफल की बात की जाए, ऊपर वाले पृष्ठ की बात की जाए, तो इसकी दिशा, क्षेत्रफल की दिशा दोस्तों वो ऊपर की ओर होगी, जिसे मैं रेडिंग से लिख रहा हूं। ये क्षेत्रफल की दिशा होगी इस तरीके से, किसकी दिशा, एस की दिशा, एस की दिशा ऊपर की ओर होगी। और दूसरी बात, ये विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है या विद्युत क्षेत्र जो है उसकी दिशा इस रूप में ही है सबके लिए, तो ये दिशा किसकी हो जाएगी, विद्युत क्षेत्र की। अब आप देखें कि इन दोनों दिशाओं के बीच कोण कितने डिग्री का है, तो दोस्तों S1 पृष्ठ के लिए वो 90 डिग्री है। बात S2 की करें तो आप जानते हैं कि यहां ये भी क्या है, नीचे वाला तल है, यानी ये वाला तल, और क्षेत्रफल की दिशा यहां पर लंबवत ही होगी, यानी नीचे की ओर होगी। तो ये क्षेत्रफल की दिशा, यानी कि S2 की दिशा, S2 क्षेत्रफल की दिशा, ऐसा आप लोग कह दीजिएगा। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो ऐसे ही है, और अब आप देख रहे हैं कि इन दोनों दिशाओं के बीच जो कोण है वो 90 डिग्री है, बात सही है। और अब बात है S3 पृष्ठ के लिए। S3 यानी बेलन के बाहर वाला ये वाला जो पृष्ठ है, यानी वक्र पृष्ठ, इसके किसी भी बिंदु से क्षेत्रफल की दिशा अगर आपसे कही जाए, तो S3 है जैसे कि क्षेत्रफल की दिशा इससे, तो इसके लंबवत होगी, इस पृष्ठ के लंबवत क्षेत्रफल की दिशा होगी। तो ये S3 पृष्ठ है, इसके लंबवत यानी ऐसे ही होगी, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा भी, विद्युत क्षेत्र की दिशा भी यही होगी, यही S3 की और यही E की। यानी कहने का मतलब इसकी दिशा के मध्य कोण, यानी E व S3 के बीच थीटा इज इक्वल टू कितना होगा दोस्तों, जीरो डिग्री, क्योंकि S3 की दिशा भी इधर, और यानी क्षेत्रफल की दिशा भी इधर और तीव्रता की दिशा भी इधर, इधर यानी कि क्या हो जाएगी, जीरो डिग्री हो जाएगी, है ना। तो इस तरीके से बीच का कोण जीरो डिग्री है, 90 डिग्री है, और 90 डिग्री है मतलब ये दूसरी जो शर्त है वो शर्त यहाँ पे सही है। बंद गौसिय पृष्ठ सममित होना चाहिए, ये बेलन है बिल्कुल सममित है, और बंद बिंदु P बंद गौसिय पृष्ठ के किसी एक पृष्ठ पर होना चाहिए, तो ये बिंदु P एक पृष्ठ पर है जिसे आप देख रहे हैं, यानी तीनों शर्तें यहाँ पे फॉलो हो रही है। कहने का मतलब ये बंद गौसिय पृष्ठ है जिसकी हमने कल्पना की है। चलिए जो हमने माना है वो लिख देते हैं दोस्तों। हमने एक बेलन लिया है एल लंबाई का, तो लिखे माना एल लंबाई का एक बेलन, बेलन जिसकी त्रिज्या, जिसकी त्रिज्या आर है, को बंद गौसिय पृष्ठ, बंद गौसिय पृष्ठ बंद गौसिय पृष्ठ लिया है, बंद गौसिय पृष्ठ लिया है। ये हमने L लंबाई का एक बेलन लिया जिसकी त्रिज्या क्या है R, और मानते हैं कि वो एक बंद गौसिय पृष्ठ है। और ये भी आप ये इसके नीचे लिख दीजिएगा, ये सभी शर्तों का क्या करता है, पालन करता है, मतलब ये बंद गौसिय पृष्ठ है जिसकी हमने कल्पना की है। साथ ही सभी जो कोण है वो आपको पता है 90 90 और 180 बन रहे हैं। दोस्तों यदि इस बेलन में यदि हम कुल आवेश की बात करें कि कुल जो आवेश होगा वो कितना होगा, जो बंद गौसिय पृष्ठ हमने माना है उस बंद गौसिय पृष्ठ में कुल आवेश, तो लिखें माना बंद गौसिय पृष्ठ, बंद गौसिय पृष्ठ का
आवेश सिग्मा क्यू है। बंद गवाक्षीय पृष्ठ का कुल आवेश सिग्मा क्यू है तथा बिंदु पे इस बंद पृष्ठ के किसी एक पृष्ठ पर उपस्थित है बिंदु पे। ये लाइन आप ऊपर रीड कर सकते हैं कि बंद गवाक्षीय पृष्ठ लिया है बिंदु पे जिसके किसी एक पृष्ठ पर उपस्थित है और कुल आवेश कितना है सिग्मा क्यू। यदि दोस्तों कुल आवेश की बात की जाए कि बंद गवाक्षीय पृष्ठ पर जो टोटल आवेश है वो, तो आप जानते हैं कि टोटल आवेश सिग्मा क्यू है और ये सिग्मा क्यू किसके तुल्य होगा। अब याद कीजिए वो डेरिवेशन जहां हम पढ़ रहे थे कि यदि बात अल्प आवेश की जाए, डीक्यू हमने याद किया था प्रत्येक वितरण के लिए, प्रत्येक आवेश वितरण के लिए, अगर लंबाई के अनुदेश किसी आवेश को वितरित किया गया है तो वो लंबाई होगी यानी डीएल होगा और रेखीय आवेश वितरण को हम लैम्ब्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप ये बात भी यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसका जो रेखीय आवेश घनत्व है वो माना कि लैम्ब्डा है, और चूंकि रेखीय आवेश घनत्व लैम्ब्डा है इसलिए कुल आवेश, चूंकि रेखीय आवेश घनत्व लैम्ब्डा है तो कुल आवेश कितना होगा, हम जानते हैं कि लैम्ब्डा इनटू क्या होगा एल। अब ये कैसे हुआ दोस्तों ध्यान दीजिएगा, क्योंकि dq अब अल्प आवेश यदि आप लेते हैं तो वो किसके बराबर होगा लैम्ब्डा dl। यहाँ पे dl अल्प लंबाई है, अल्प आवेश ज्ञात करते हैं तो अल्प लंबाई, यदि कुल आवेश ज्ञात करें तो लैम्ब्डा इनटू l लंबाई भी कुल वाली आएगी। तो कहने का मतलब ये, यानी कि रेखीय आवेश घनत्व यदि आपने लैम्ब्डा लिया है ना, यहां लिख दे कि यहां लैम्ब्डा बराबर पृष्ठ का रेखीय आवेश घनत्व लैम्ब्डा क्या है, यहां पे रेखीय आवेश घनत्व है। अब आप देखें कि ये हमने बनाया है इसके लिए। अब यदि बात की जाए गॉस के नियम से, तो दोस्तों लिखे आप अतः गॉस के नियम से, गॉस का नियम क्या कहता है, गॉस का नियम ये कहता है आपसे कि फाई जो है यानी फ्लक्स जो है वो कुल आवेश बट्टे एप्साइलन जीरो होता है। या हमने क्यू लिया था क्यू अपॉन एप्साइलन जीरो, लेकिन मैंने ये भी कहा था कि पृष्ठ का जो टोटल आवेश है वो क्यू है, यानी क्यू यहाँ पर कुल आवेश को दर्शाता है, कुल के लिए हम सिग्मा का प्रयोग करते हैं। अब आप देखें कि यदि सिग्मा क्यू का मान इतना है तो हम फाई को यहाँ पे बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं, सिग्मा क्यू है लैम्ब्डा इनटू एल, तो लैम्ब्डा एल बट्टे एप्साइलन जीरो, तो ये बट्टे एप्साइलन जीरो होगा। कहने का मतलब यहां कुछ हमें काम की समीकरण नजर आ रही है और इसलिए हम इसे सुरक्षित कर देते हैं, इसे समीकरण नंबर एक कह देते हैं। देखिएगा फाई हमने निकाला टोटल आवेश बट्टे एप्साइलन जीरो होता है और फाई इज इक्वल टू लैम्ब्डा एल, मैंने सिग्मा क्यू का यहाँ पे मान रखा और एप्साइलन जीरो एज इट इज पड़ा है, ये समीकरण एक बन गई। देखिएगा फ्लक्स का ये फॉर्मूला तो है, लेकिन फ्लक्स ज्ञात करने के लिए एक और फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, लिखें हम जानते हैं कि किसी पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स जो होता है वो दोस्तों ये भी हो सकता है, कितना यहां लिखूं मैं कि फाई इज इक्वल टू समाकलन ई डॉट डीएस, और जब आप डॉट हटाओगे तो कॉस थीटा लगेगा तो ई डी एस कॉस थीटा हो जाएगा। तो फाई का एक ये भी फॉर्मूला है, अगर हम इस फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं तो यहां पर हम तीव्रता ज्ञात करेंगे, क्या ज्ञात करें तीव्रता, भाई तीव्रता का समाकलन कर देंगे है ना, और डीएस यहाँ पे है ही, तो ये ज्ञात करना चाहते हैं ई डी एस, यानी फाई जब हो जाएगा तो ई डी एस होकर। अब यदि हम टोटल फाई ज्ञात करना चाहते हैं, अगर हम अब चित्र में चले जाए तो हम क्या देखेंगे कि तीव्रता अलग अलग हमें ज्ञात करनी होगी, कैसे कि इससे
यहाँ पर तीव्रता नहीं फाई की बात कर रहा हूं, तो फ्लक्स हमें अलग अलग याद करना पड़ेगा क्योंकि इसमें तीन पृष्ठ लिए हैं। तो पहला पृष्ठ यानी S1 पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स कितना होगा, S2 पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स कितना होगा और S3 पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स कितना होगा, वो सब अलग अलग हमें निकालना पड़ेगा। अब आप जानते हैं कि S यहाँ पे क्षेत्रफल है, तो जिस क्षेत्रफल से निर्गत फ्लक्स आपको निकालना है वो क्षेत्रफल यहाँ पे रखेंगे और तीव्रता यहाँ पर रखने वाले हैं। तो आप लोग, ये तीव्रता का फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले पे जो है हम चलते हैं। तो किस तरीके से होगा आप देखें, सबसे पहले मैं पृष्ठ S1 की बात करता हूँ। तो हम जानते हैं कि S1 पृष्ठ में क्या होगा। अब आप देखें, अगर हम कुल फाई ज्ञात करना चाहते हैं, टोटल फ्लक्स ज्ञात करना चाहते हैं ना, कुल फ्लक्स इस पूरे बंद गाउसी पृष्ठ में कुल फ्लक्स हम ज्ञात करना चाहते हैं, तो वो जो फाई होगा वो हमें समाकलन करना पड़ेगा S1 पृष्ठ के लिए। S1 पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स आप ज्ञात करें, EDS, E dot ds यानी EDS cos theta प्लस, फिर आप क्या करें S2 के लिए ज्ञात करें, यानी S2 के लिए भी ये फॉर्मूला लगाएं, और फिर आप क्या करें S3 पृष्ठ के लिए भी ये वाला फॉर्मूला लगाएं, EDS, EDS। तो इस तरीके से अगर आपको कुल फ्लक्स ज्ञात करना है तो इस पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स ज्ञात कीजिए, यहां तीव्रता रखिए, यहां इसका क्षेत्रफल रखिए, यहां ज्ञात कीजिए और यहां ज्ञात कीजिए। तो आप ये तीनों जब जोड़ेंगे तो कुल जो फ्लक्स है, फाइव टोटल जो है वो आपको मिलने वाला है, फाइव कुल मिलने वाला है। दोस्तों S1 पृष्ठ सबसे पहले हम देखेंगे और फिर S2 की बात करेंगे, फिर S3 की बात करेंगे। तो देखिएगा कि हम किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। मैं इसको यहां नीचे एक लाइन और भी हो सकती है, फाई कुल इज इक्वल टू ये। अब आप ध्यान दें कि फाई कुल इज इक्वल टू समाकलन S1 EDS cos theta, EDS cos theta। अब आप देखें कि cos theta की बात हो रही है S1 पृष्ठ के लिए, लेकिन S1 पृष्ठ के लिए तो थीटा 90 डिग्री है, तो हम यहां पे 90 डिग्री रखेंगे, तो ये 90 डिग्री की बात हो गई। प्लस दूसरा पृष्ठ S2 पृष्ठ के लिए और E है EDS cos थीटा। दोस्तों थीटा जो यहां पे cos थीटा, यानी थीटा जो है वो किसके मध्य कोण है, ये बात हमने कल सीख ली है कि थीटा E व S के मध्य कोण है, यानी क्षेत्रफल की दिशा और विद्युत क्षेत्र की दिशा, तो वो कोण, ये सारे कोण वही कोण है। S2 पृष्ठ के लिए कोण कितना है दोस्तों, मैंने पहले आपको बता दिया कि वो कोण 90 डिग्री है। प्लस यदि समाकलन किया जाए S3 के लिए, तो दोस्तों तीव्रता EDS cos थीटा, EDS cos थीटा, थीटा कितना है S3 पृष्ठ के लिए, 0 डिग्री, तो cos 0 डिग्री ये हो जाएगा। अब आप क्या करें, इन तीनों को जोड़ें, इनका योग करें, तो आप जानते हैं कि cos 90 का मान 0 हो जाएगा, और cos 90 का मान 0 होने के कारण ये पृष्ठ, ये पूरा का पूरा समाकलन शून्य हो जाएगा। ये भी cos 90 जीरो, जीरो से गुणा करने पर ये भी पूरा पद जीरो, यानी लास्ट में जाते जाते केवल एक पद बचेगा, अंत में जाते जाते एक पद बचेगा। यहां अगर हम वर्णन करना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि पृष्ठ S1 के लिए, पृष्ठ S1 के लिए क्या होगा, क्योंकि हमें पता है कि पृष्ठ S1 के लिए E और S क्या है, लंबवत है, और E और S लंबवत होने के कारण थीटा इज इक्वल टू कितने डिग्री, 90 डिग्री हो जाएगा। आप ऐसा लिख सकते हैं कि पृष्ठ S2 के लिए, पृष्ठ S2 के लिए, और S2 के लिए भी हमें पता है कि E लंबवत है S के, यानी S की दिशा और E की दिशा एक दूसरे के क्या है दोस्तों, लंबवत है, और इसलिए यहां पर भी थीटा बराबर कितने डिग्री, 90 डिग्री। और यदि बात की जाए पृष्ठ S3 के लिए, तो पृष्ठ S3 के लिए भी ये नहीं है, बल्कि वो क्या है, इन दोनों की दिशाओं के बीच कोण, यानी दोनों की दिशा समान है, तो कोण कितने डिग्री होगा, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। बस ये काम मैंने इसमें किया है, बिल्कुल अब समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये आगे कैसे होगा। ये दिशा मैं यहां से मिटा रहा हूं, आप लोग समझ चुके होंगे अब तक। दोस्तों केवल एक पद बचा हमारे पास, एक पद का मतलब क्या है कि केवल हमारे पास फाई के इज इक्वल टू, फाई इज इक्वल टू क्या बचा है, समाकलन है S3 का और EDS cos, EDS cos थीटा cos 0 डिग्री होने के कारण ये EDS ही बचा।
समाकलन से तीव्रता बाहर हो जाएगी, अंदर बचेगा ds phi के बराबर में। अब आप देखें कि phi के बराबर में ये हुआ है, अब phi बराबर e तो है ही, और समाकलन ds जो है, समाकलन ds क्या है, देखें आप, बात पृष्ठ S3 की हो रही थी, यानी S3 पृष्ठ, यानी इस बेलन का ये वाला पृष्ठ कौन सा है, वक्र पृष्ठ। ds का मतलब दोस्तों क्षेत्रफल, ds का मतलब क्षेत्रफल। तो S3 पृष्ठ कौन सा है, बेलन का वक्र पृष्ठ, और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब आप सोचेंगे कि क्षेत्रफल तो S है, आपने ds क्यों लिया, दोस्तों ds है क्षेत्रफल, ds अल्पांश का क्षेत्रफल होता है कहने में तो, लेकिन अल्पांश का जब समाकलन कर देते हैं तो वो संपूर्ण के लिए हो जाता है, तो जैसा ds लगा, d लगा है यहाँ पे, वैसा समाकलन भी तो है संपूर्ण के लिए पीछे, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। तो आप देखें कि बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन के इस पूरे के पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πrL होता है। यदि वहां पे ऊंचाई h ली गई हो तो 2πrH होता है, लेकिन 2πrL होगा क्योंकि हमने पहले ही इसको L ले लिया है, तो यहाँ 2πrL हो जाएगा। तो लिखें कि चूंकि ds इज इक्वल टू, समाकलन ds इज इक्वल टू 2πrL, 2πr है, तो ये मैंने e लिया है, या नीचे लिख देता हूँ phi इज इक्वल टू, क्या लिया है हमने, e कोष्टक में है 2πr और L, ये दोस्तों यहाँ पे बना है, और इसे हम कह देते हैं कि ये हमारा समीकरण नंबर कितना है, 2 है। आप देखें वहां पे यदि नहीं दिख रहा होगा तो आप इसे उतार लें, और मैं इसे मिटा देता हूं एक बार के लिए, और आप लोग देखें इसको, देखो भाषा लिखनी भी जरूरी है, भाषा का भी बड़ा महत्व है बोर्ड एग्जाम में, नहीं तो जैसे कि भाषा इसलिए भी लिखवाते हैं ताकि आप जब भी इसे वापस पढ़ें तो आपको कुछ गाइड मिले इससे। देखें ये L है, अब वहां पे क्या किया, एक बार यहां पे मैं दोहरा देता हूं कि हमारे पास जो है क्या बचा था, केवल ये बचा था समाकलन S3 के पदों में और EDS cos थीटा जीरो था, इसलिए जीरो वन होता है इसका मान, इसलिए सुगंध को गुणा किया और EDS बना। अब आप देखें कि S3 EDS E तीव्रता बाहर आ गई, phi इज इक्वल टू ई बार लिया, तो समाकलन क्या बचा, ds, किसका समाकलन करना है, S3 पृष्ठ के क्षेत्रफल का। अब ये क्षेत्रफल हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि समाकलन ds जो है वो 2πr और L है, 2πr और L है, ये मान यहां रखें ds की जगह, तो phi इज इक्वल टू ई तो है लेकिन 2πrL एक्स्ट्रा होगा, जिसे हम समीकरण 2 कह देते हैं, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्यों किया, 1 व 2 से आप देखें यहां भी phi का मान है, समीकरण 1 में भी और समीकरण 2 में भी किसका मान है, phi का, phi के दो मान, यानी phi के मानों की तुलना करें, तो आप लोग तुलना कीजिए, यहां पे है e 2πrL इज इक्वल टू इसका क्या है भैया, लैम्बडा L बट्टे एप्सिलॉन 0, ये मिल जाएगा। L से L अगर आप देखें तो वो कट जाएगा, तो क्या बचा, e 2πr लैम्बडा बाई एप्सिलॉन 0, लैम्बडा बाई एप्सिलॉन 0 हो गया। यदि e को इधर रहने दे और 2πr को इधर भेजे तो वो कहां चला जाएगा दोस्तों, यदि e को इधर रहने दे और 2πr को भेजे तो देखें आप, मैं रीडिंग से लिख रहा हूं ताकि आप इन्हें अलग कर पाए दोस्तों, e इज इक्वल टू ऊपर है लैम्बडा, नीचे क्या बचा 2πr और एप्सिलॉन 0, आप इसे सीधा लिख दें, एप्सिलॉन 0 को मैं पहले लिख देता हूं, 2πε 0 और क्या है r, देखिएगा 2πε 0 लैम्बडा है, यदि मैं इसे क्या करता हूं दोस्तों, गुणा कर देता हूं 2 से, तो क्या होगा 2 लैम्बडा ऊपर व नीचे 2 से गुणा कर देते हैं, 2 कितना हो जाएगा 4πε 0 और r, 4πε 0 और r। अब ये 4πε 0 और r, ये फॉर्मूला आपको प्राप्त हुआ है, आप देखें अगर मैं इसको यहाँ पे 1 कर देता हूं तो 1/4πε0 k हो जाएगा, क्या हो जाएगा k, तो हम कह सकते हैं इज इक्वल टू 2 लैम्बडा और k बटे r, तो ये कुल मिला के फॉर्मूला मिलेगा, या आप इसे भी कह सकते हैं कोई नहीं, तीव्रता का जो परिमाण ज्ञात करना है वो हम किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले बंद गाउसिय पृष्ठ की कल्पना करेंगे, उसमें कितने पृष्ठ है ये मान के चलेंगे, कितने पृष्ठ है तो हम एक ये, दूसरा ये और तीसरा ये पृष्ठ हो जाएगा, और तीनों के लिए अलग अलग हम फाई ज्ञात करेंगे। पहले तो हमें पता है कि फाई कितना होता है,
ये हम जानते हैं। ये कैसे जानते हैं? गाउस के नियम से। गाउस का नियम ये कहता है यहाँ पे कुल आवेश लैम्डा एल के बराबर है, तो लैम्डा एल रखें, फाई का मान ये निकाला। एक तो फाई का मान ये है और दूसरा फाई का मान, फाई का फॉर्मूला हमें पता है, फ्लक्स की परिभाषा से हमें फॉर्मूला पता है, तो एबीएस हो जाएगा। और ये ईबीएस सभी के लिए लागू करेंगे हम, पहले एस वन पृष्ठ के लिए लेंगे, फिर एस टू के लिए लेंगे, और फिर एस थ्री के लिए लेंगे, और फिर तीनों का क्या करेंगे, जोड़ करेंगे। कोण यहाँ पे 90 और 90 होने के कारण, कॉस 90 का मान 0 होने के कारण ये दोनों पद 0 हो जाएंगे। बचेगा ये पद, और ये पद में हमें पता है कि डीएस यहाँ पे क्या है, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, और बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जब हम रखेंगे यानी कि 2πrl रखेंगे। अब ये संपूर्ण इसीलिए हुआ दोस्तों क्योंकि यहाँ पे समाकलन था, यदि समाकलन नहीं होता तो ये यहाँ पे डीएस अल्प क्षेत्रफल को बताता है, तो हम केवल अल्पांश के लिए ही करते, लेकिन चूंकि पीछे समाकलन हो गया है तो समाकलन करने के बाद बेलन का संपूर्ण पृष्ठ हो गया है, तो इस बेलन का संपूर्ण पृष्ठ लेंगे और फिर हमने समाकलन किया, ये 2πrl हुआ और phi is equal to e 2πrl। हमने यहाँ पे समीकरण एक व दो दोनों में phi का फ्लक्स का मान बताया गया है, और इसलिए हम दोनों की तुलना करेंगे, और तुलना करने पर हमें पता चलेगा कि एल से एल यहाँ पे कैंसल, जो बचा नीचे डाला तो क्या हुआ, e is equal to 2π for 2 lambda sorry और 4π epsilon 0 और क्या हो गया r हुआ, इसको 1 से मल्टीपल किया तो हमें पता चला कि ये k के तुल्य है, तो इस प्रकार से ये फॉर्मूला गया। अब दोस्तों ये अनंत रेखीय आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण है। अब आप देखेंगे फॉर्मूला तो हमें मिल गया, स्क्रीनशॉट यहां से आप ले सकते हैं, फिर मैं इसको मिटा रहा हूं। अब इस फॉर्मूले को आप ध्यान से देखें, यह फॉर्मूला कुछ बातें बताता भी है हमें, अब क्या बताता है वो बताने वाले हैं, पहले ये मिटा दें। दोस्तों फॉर्मूले में तीव्रता बताई गई है, अब ये तीव्रता है जो ऊपर हेडिंग डाल रखी है वो वाली तीव्रता, और ये तीव्रता आप देख रहे हैं कि यहां लैम्ब्डा जो आवेश घनत्व के रूप में है उसके ये सीधे समानुपाती है, लेकिन R के व्युत्क्रमानुपाती है, ये सीधा नहीं है। देखें यहां पे लैम्ब्डा अंश में है हमें पता है, और R कहां है, हर में, तो लिख सकते हैं कि अगर स्पष्ट है, अगर स्पष्ट है, क्या स्पष्ट है, पहली बात तो ये स्पष्ट है कि यहां तीव्रता और ये लैम्ब्डा, लैम्ब्डा यानी आवेश घनत्व, E समानुपाती है लैम्ब्डा के, यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश घनत्व या रेखीय आवेश घनत्व, आप लिखें रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व के सीधे समानुपाती है, सीधे समानुपाती है, ये इसके डायरेक्ट समानुपाती। तो आप देखें कि यदि समानुपाती है तो इनके मध्य ग्राफ कैसा होगा, तो आप बना लें इनके मध्य ग्राफ, जहां एक तरफ मैं दर्शा रहा हूं किसे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को, और दूसरे अक्ष पर मैं दर्शा रहा हूं इसे, यानी कि आवेश घनत्व लैम्ब्डा को। हमें पता है ये इसके सीधे समानुपाती है, यानी यदि लैम्ब्डा बढ़ता है तो तीव्रता भी बढ़ेगी, लैम्ब्डा घटता है तो तीव्रता भी घटेगी, कहने का मतलब इसका ग्राफ इस रूप में मिलेगा, तो ये ग्राफ सरल रेखा के रूप में हमें प्राप्त होता है। दोस्तों यदि समानुपाती हो तो ग्राफ हमेशा ही सरल रेखा में मिलता है, ये छोटी छोटी बातें आप फिजिक्स में पढ़ते हैं 11th क्लास में। दूसरी यहां पे क्या बात स्पष्ट है, आप देखें दूसरी बात स्पष्ट है कि बीच की दूरी जो है उसके ये तीव्रता क्या है, व्युत्क्रमानुपाती, क्योंकि बीच की दूरी नीचे है, अगर इसे बढ़ाया गया तो ये घट जाएगी, है ना, तो लिखें कि E जो है वो 1/r, ये व्युत्क्रमानुपाती है इसके, है ना, अर्थात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P की O से दूरी R के व्युत्क्रमानुपाती है, व्युत्क्रमानुपाती है, एक ये बात यहां पे स्पष्ट होती है इस फॉर्मूले से। आप देखें कि ये इसके व्युत्क्रमानुपाती है, यानी R को बढ़ाने पर E घट जाएगा, तो ग्राफ कैसा मिलने वाला है।
ये ग्राफ, यहां मैं वाई एक्स पे ई को लेता हूं यानी तीव्रता को, और एक्स एक्स पे लेता हूं आर को, तो ग्राफ हमें घटता हुआ मिलेगा, यानी ई को आर को सॉरी बढ़ाया गया तो ई घट जाएगा, आर को अगर घटाया गया तो ई बढ़ जाएगा, यानी व्युत्क्रमानुपाती है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने सीखा है कि अनंत रेखीय आवेश वितरण, यदि इस प्रकार से किसी अनंत रेखा में आवेश को वितरित किया गया है तो उस वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो कितनी होगी, साथ ही तीव्रता की दिशा क्या होगी और उसका परिमाण क्या होगा। और जो परिमाण हमें मिला है यानी जो फॉर्मूला हमें मिला है, उस फॉर्मूले से जो दो बातें स्पष्ट होती है कि ई समानुपाती लैम्ब्डा और ई व्युत्क्रमानुपाती आर यानी कि बीच की दूरी, ये दोनों बातें हमने देखी है। तो आज विदा लेना चाहेंगे आपसे, मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ और बहुत शानदार होगा। आप वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें और दोस्तों लगातार पढ़ते रहें। थैंक यू।